पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्ला की खातिर अपने भारतीय पति अरविंद और अपने दोनों ही बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी बीते कुछ महीनों पहले ही अंजू। लेकिन बीते साल 2023 में 29 नवंबर के दिन वह भारत लौट आई। भारत लौट आने के बाद अंजू लगातार सुर्खियों में है अपनी लव स्टोरी को लेकर। ऐसे में देखा जाए अंजू साफ कहती हुई नजर आ रही है कि अब उसे परिवार के किसी भी सदस्य की जरूरत नहीं है। जब वह परेशानी में थी तब परिवार के सदस्य उससे मुंह मोड़ते हुए नजर आए थे, उससे बातचीत करना तक बंद कर दिया। लेकिन अब अंजू काफी ज्यादा बदल चुकी है। अंजू ने सोशल मीडिया के जरिए भी अपना एक और अलग अंदाज दिखा दिया है, जिसे देखने के बाद अंजू अब आलोचनाओं का सामना कर रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मालूम हो कि साल 2023 में 21 जुलाई के दिन पाकिस्तान के कराची पहुंच गई थी अंजू अपने फेसबुक प्रेमी नसरुल्ला से मिलने के लिए। धर्म परिवर्तन कराया, नाम तक बदल लिया और निकाह भी रचा लिया। लेकिन जब वीजा समाप्त हो गया तो अंजू भारत लौट आई। अब अंजू का कहना यह है कि अपने बच्चों के भविष्य को वह संवारेगी, अपने बच्चों पर पूरी तरीके से ध्यान देगी और अरविंद को तलाक दे देगी। बच्चों का जो फैसला होगा उस फैसले को वह स्वीकार करेगी और ऐसे में अंजू जल्द से जल्द भारत बुलाना चाहती है नसरुल्ला को। इसी बीच देखा जाए तो अंजू ने यहां पर अपने प्यार को जाहिर कर दिया है अपनी एक रील के जरिए। जी हां, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक रील एक वीडियो साझा किया है और इस वीडियो में देखने को मिला है कि जो बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म है खुदा गवाह, उस फिल्म के फेमस गाने पर वह देखा जाए तो झूमती हुई नजर आ रही है और इस गाने के जरिए उसने अपने प्यार को भी कहीं ना कहीं जाहिर कर दिया है। ऐसे में देखा जाए तो अंजू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। अंजू यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग अंदाज में दिखाई दे रही है और अंजू के इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और अब उनका कहना है कि अंजू को पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। यहां पर एक यूजर ने साफ तौर पर लिखा है कि इस औरत को पाकिस्तान भगाओ। औरत के नाम पर यह कलंक है और मां के नाम पर भी यह कलंक है। इस तरह से अंजू के लिए बातें कही जा रही हैं। और दूसरी ही तरफ यहां पर एक यूजर का कहना साफ तौर पर रहा है कि सीमा पाकिस्तान में रहकर अपनी ममता नहीं भूली, अपने बच्चों को साथ लाई, इसने एक रिश्ता तोड़ा है पति का और एक ये मैडम अपने बच्चों को सबको छोड़कर पाकिस्तान चली गई, लेकिन अचानक ही ममता जाग गई और बच्चों को लेने आ गई। तो ऐसे में अब यहाँ पर लोगों का कहना है कि अब अंजू को पाकिस्तान वापस चला जाना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अंजू का कहना साफ तौर पर यह भी रहा है कि वह भारत में रहना पसंद करेगी अगर उसके बच्चे भारत में रहना चाहेंगे, लेकिन बच्चों का फैसला अगर पाकिस्तान जाने का रहेगा तो वह पाकिस्तान भी जा सकते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान में उसका रहना दुश्वार होता है। तो कहीं ना कहीं वह अपने ड्रीम को पूरा करती हुई नजर आएगी, वह दुबई जाना पसंद करेगी। अब देखना होगा कि अगर लोग यहां पर अंजू को नहीं अपना पाते हैं तो क्या अंजू वाकई में पाकिस्तान लौट जाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।